आज हम आए हैं गुलशन इकबाल पार्क और बहुत अच्छा वेदर है आज, पार्टली क्लाउडी वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये डायरेक्ट मैं आ गया हूँ बच्चों का जो ओपन प्लेइंग एरिया है उसमें। अच्छा, इसके बच्चों के प्लेइंग एरिया में यह है कि इसकी जो स्लाइड्स वगैरह झूले हैं लोहे के नहीं है, लकड़ी के हैं, और अच्छा सा पेड़ हुआ है, बिल्कुल अच्छी हालत में। तो बच्चों का प्लेइंग एरिया तो बहुत अच्छा है। आगे मैं दूसरी साइड पर जाता हूँ, इसका ओपन एयर जिम है और इंडोर जिम भी है, वो दिखाता हूँ। ये हम आ गए हैं ओपन एयर जिम में, इसका ओपन एयर जिम भी न्यू बना हुआ है, न्यू मशीन्स हैं। ये देखें, ये क्रंचेस के लिए मशीन है, ये भी न्यू टाइप की है। अमूमन जो मशीन देखी गई हैं उसमें आपके पाँव पे वजन डालना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्रंचेस कैसे होंगे। इसमें दो पुल अप बार्स हैं, बड़ा है छोटा है, और क्रंचेस के लिए दो मशीन्स हैं। ये एक मशीन है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, तो आप काइंडली कमेंट्स में बताएं कि ये किस पर्पज के लिए है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इसका क्या पर्पज है। ये इसका इंडोर जिम है, काफी वाइड स्पेस है, खुली डुली मशीनें पड़ी हैं स्पेसेस के साथ, ऐसे नहीं है कि तंग सा है, और बना भी अच्छा हुआ है, साफ सुथरा बना हुआ है, न्यू पेंट हुआ हुआ है, और मशीन्स भी इसमें काबिले कबूल हैं, यानी कि जितनी नॉर्मल जिम में एक होनी चाहिए उतनी है। बेंच प्रेस सारे पड़े हुए हैं और बाइसेप वगैरह की, शोल्डर की नॉर्मल एक्सरसाइज हो सकती है यहाँ पे आराम से। दूसरी साइड पे इसका ये आउटडोर जिम, ओपन एयर जिम है, ये भी दो हैं। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पुराने वाला है, और वो इससे आगे जो रेड मशीन्स है वो न्यू वाला है। तो जो पुराने वाला है ये भी ठीक है, इसमें भी पुल अप बार वगैरह हैं, इसमें वो स्ट्रेचिंग के लिए भी है, हैमस्ट्रिंग वगैरह सब इसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है। और इसमें एक मशीन वो भी पड़ी हुई है जो जिम में होती है, शोल्डर की भी एक्सरसाइज हो सकती है उससे, और चेस्ट की भी हो सकती है। ये देखें, ये भी एक न्यू टाइप की मशीन पड़ी हुई है, मुझे भी इसकी समझ नहीं आ रही है किस चीज़ की, आप कमेंट्स में बताएं इसका क्या पर्पज है। और ये साथ में ये देखें, ये ओपन एयर जिम में पड़ी हुई है, इससे हम शोल्डर की भी कर सकते हैं और चेस्ट की भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी बहुत खूबसूरत झील है, बहुत प्यारा वेदर है यहाँ पे, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा मॉडल टाउन की और रेस कोर्स की झील। इसकी झील को अगर मैं उनकी झील से कंपेयर करूँ तो ये एरिया में ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा साफ सुथरी है, और बनी बहुत अच्छे तरीके से है। इसकी जो सराउंडिंग में ग्रीनरी है, अगर उसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये और खूबसूरत हो जाएगी। उसके अलावा इसके बीच में वो दरमियान में एक केमल है, ऊंट है, उसका मुजस्मा है, और इसके अलावा इसमें डक्स वगैरह भी हैं, वो इसके अंदर भी जाती हैं और बाहर भी आ जाती हैं, वो मैं दूसरी वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, वो बाहर घूम फिर रही हैं। और इसमें हम बोटिंग भी कर सकते हैं, और बहुत बड़ी इसमें बोटिंग का सेटअप है, तकरीबन 15-20 बोट पड़ी हुई हैं, और इसकी स्पेस भी इतनी बड़ी है कि इसमें इतनी बोट चल सकती है। इस पार्क की जो सबसे यूनिक बात लगी है कि पूरे लाहौर में आपको जिप लाइनिंग कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इस पार्क में जिप लाइनिंग मौजूद है। ये मैं उसके एंड पे खड़ा हूँ जहाँ पे जिप लाइनिंग खत्म होती है, थोड़ी देर बाद दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से जिप लाइनिंग स्टार्ट होती है, वो फन लैंड के पास है। ये एक तालाब बना हुआ है इसके कॉर्नर पे, और इसमें इसके अंदर जाने के लिए भी एक जगह बनी हुई है इसकी चारों तरफ, जैसे कि स्विमिंग के लिए जंप लगाने के लिए होती है, लेकिन इसमें जो पानी की हालत है वहाँ पे हम स्विमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन ना इसमें कोई अभी इस वक्त जानवर नजर आ रहा है, बस एक तालाब ही है। अच्छा, ये इसका इंडोर फुटबॉल है, यहाँ पे हम इंडोर फुटबॉल खेल सकते हैं, चारों साइडों से कवर है, नेट लगा हुआ है, और बीच में इसके दोनों साइडों पे पोल बने हुए हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इस पे फुटबॉल खेलें, हैंडबॉल खेलें,
या टेनिस खेलें, जो मर्जी खेलें, लेकिन बना बड़ा अच्छा हुआ है, साफ सुथरा है। अच्छा, इस पार्क की एक और यूनिक बात यह है कि यहाँ पे जू का व्यू भी आप ले सकते हैं। ये मेरे पीछे जो पिंजरा है इसमें हिरन है, और हर तरह के हिरन है, वो बारह सिंगा वाले टाइप भी हैं और सिंगों के बगैर होते हैं वो भी हैं, और बहुत बड़ी तादाद में है, पूरा उनका रेवड़ ही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये धूप में घूम फिर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, कोई कुछ बैठे हुए हैं, कुछ घूम फिर रहे हैं। ये इसका आगे आ गया है ट्रैक। ट्रैक इसका जैसे कि आपने पहले रेस कोर्स में ट्रैक देखा था, बिल्कुल उसी टाइप का है, मट्टी वाला है, यानी कि कच्चा है, तो बारिश में ये स्लिपरी हो सकता है। लेकिन इसकी अगर मैं सराउंडिंग देखूं तो सराउंडिंग इसकी बहुत प्यारी है, दोनों साइडों पे दरख्त लगे हुए हैं, दरख्तों से ढका हुआ है, सायादार इसका ट्रैक है। साइडों पे इसकी आपको पता है कि काफी पॉपुलेशन है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, वो आराम से जिस टाइम मर्जी आ सकते हैं, सुबह शाम टाइम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, तो इतना जबरदस्त है। आ गया हूँ जिप लाइनिंग, जहाँ से स्टार्ट होती है जिप लाइनिंग करने के लिए, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और उसके साथ ही ये मेरे पीछे आप जिप लाइनिंग के अलावा रोप क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। ये पीछे देखें आप, रस्सी के साथ बांध के वो जो ऊपर ऐसे चढ़ते हैं रुकावटें क्रॉस करके, तो वो भी आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये मैंने की नहीं है, मैंने सिर्फ जिप लाइनिंग करने लगा हूँ, तो वो उसका व्यू देखते हैं जिप लाइनिंग से क्या होता है। ये दूसरा, ये इसको चैलेंजर्स कहते हैं, ये डिफरेंट रुकावटें होती हैं, ये चार पांच अबोर करनी होती हैं। लाइनिंग करके मैं आ गया हूँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल जैसे नॉर्दर्न एरियाज में जिप लाइनिंग होती है वैसे ही जिप लाइनिंग थी, बल्कि ये काफी उससे इसका डिस्टेंस ज्यादा था, और काफी अच्छा रहा, सेफ एंड सिक्योर था, और काफी मजा आया मुझे। ये देखें, ये फनलैंड है इसका, फनलैंड इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, वो हम वीडियो में कवर नहीं कर सके, लेकिन फनलैंड इसका बहुत बड़ा है। कुरान शरीफ को हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जैसे उर्दू में ट्रांसलेशन होती है, इंग्लिश में होती है, इसी तरह हमारी लैंग्वेज है पंजाबी। तो आपको पता है कि कुरान पाक का सबसे पहले किस हुक्मरान ने या किसने पंजाबी में ट्रांसलेट कराया?
फाइनल इसका अगर मैं रिव्यू दूं, कंक्लूजन दूं, अगर बाकी मैं लाहौर के पार्क से इसका कंपैरिजन करूं, तो इसमें जो चीज़ें हैं, जो यूनिकनेस गुलशन इकबाल पार्क में है, वो और किसी पार्क में नहीं है। एक तो इसकी सबसे बड़ी यूनिक बात है, इसका फन लैंड बहुत बड़ा है। इसके जो जिप लाइनिंग इसमें है, रॉक क्लाइंबिंग इसमें है, जू है इसमें, झील इसकी बहुत बड़ी है, इसमें ट्रैक है, और इसमें आप एक्सरसाइज के लिए इंडोर जिम है, आउटडोर जिम है, और इसमें पहाड़ी है, इसमें सिटिंग प्लेस बहुत प्यारी हैं, जो कि हम ये सारा कवर नहीं कर सके। उसके अलावा इसमें बास्केटबॉल की कोर्ट है, और इसमें यानी कि इस अगर बाकी मैं कंपेयर करूं तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें कैमरा अगर अलाउ कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। अगर तो देखें हम एंटर हों तो कैमरा हमें अलाउ नहीं है, ना ट्राईपोड अलाउ है, वो हमें बिल्कुल अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये अलाउ नहीं होगा तो हम आपको ये चीज़ें कैसे दिखा सकेंगे। ये भी हम बड़े उनसे रिक्वेस्ट करके चोरी से छुप के हम आपसे यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। लाहौर के इस वक्त किसी पार्क में PHA की तरफ से किसी पार्क में परमिशन नहीं है कि भाई आप कैमरा लेके जा सकते हैं।